नमस्कार, मैं सुशील पाल और आप देख रहे हैं FDTV इंडिया। आज खबर होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री से लेकर आया हूं, जहां बहुत उथल पुथल मची हुई है। आर्थिक मंदी का दौर हिंदुस्तान में चल रहा है और होटल इंडस्ट्री भी ऐसे ही दौर से गुजर रही है। और अगर आप होटल बुकिंग ओयो से होटल का कमरा बुक करवाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है ओयो से बुक आपके होटल का रूम आपको मिले ही ना। दरअसल ओयो से जुड़े होटल पार्टनर कंपनी से काफ़ी नाखुश हैं और कमीशन को लेकर परेशान भी हो रहे हैं, और इसीलिए अब होटल संचालकों ने ग्राहकों को परेशान करना शुरू कर दिया है। ये समस्या सिर्फ और सिर्फ अजमेर या जयपुर में ही नहीं है, बल्कि पूरे राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत में ग्राहकों को हो रही है। देश भर में सोशल मीडिया पर नो टू ओयो कैंपेन चलाया जा रहा है। ये कैंपेन चलने के पीछे एक बड़ी वजह सामने आ रही है, जिसको लेकर आज ही होटल संचालकों ने अजमेर में बैठक की है, जिससे ओयो को रोजाना करोड़ों रुपए का घाटा भी हो रहा है। दरअसल अगर आपने ओयो में रूम बुक किया है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि होटल में पहुंचकर आपको वह कमरा मिलेगा, क्योंकि होटल मालिकों ने अब ओयो के जरिए कस्टमर को कमरा देने से इनकार करना शुरू कर दिया है। होटल मालिक कंपनी के ज़्यादा कमीशन चार्ज करने के कारण काफ़ी नाखुश हैं, लेकिन होटल के महंगे कमरे को कम रेट पर देने से नाराज भी हैं। होटल मालिकों का कहना है कि इस ऑफर की वजह से उन्हें बहुत भारी नुकसान हो रहा है। एक होटल मालिक ने यह तक कहा है कि पिछले 6 महीने से 1000 और 1200 रुपये के जो कमरे होते हैं वो 300-400 रुपये में रेंट पर दे रहे हैं। इससे उन्हें हर महीने लाखों का नुकसान हो रहा है। संचालकों का आरोप है कि ओयो कंपनी, जो कंपनी की पॉलिसी है, उसके नाम पर होटल संचालकों से हिडन चार्ज वसूल रही है, और इसका पता उन्हें तब चलता है जब हर महीने वे अपनी बैलेंस शीट देखते हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि अजमेर के होटल संचालक इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। कल हम लोगों का सारे अजमेर के जो अजमेर और पुष्कर के संभाग के जो होटलियर्स थे उनका एक हम लोगों ने सम्मेलन करा, जहाँ पर हम लोगों ने सारे होटल वाले, जो ओयो एक कंपनी है जो हम लोगों को ये ऑनलाइन बुकिंग्स प्रोवाइड करती है, उसके खिलाफ हम लोगों का प्रदर्शन था। ये कंपनी हम लोगों के क्या पैसे जो कस्टमर से तो बुकिंग ले लेती, बट हम लोगों को पैसे यहाँ नहीं भेजती, और कहीं अपने मनमानी चार्जेस लगा कर हम लोगों के पैसे हमेशा डेबिट ही दिखाती है, और हमेशा हमसे मांगती भी दिखाती है, जो कि एक सरासर बेईमानी का काम चल रहा है। इसके खिलाफ हम लोगों का प्रदर्शन था। सर, ये कंपनी कहाँ की है, किसकी है? ये कंपनी के इसके CEO रितेश अग्रवाल जी है, और ये कंपनी गुड़गांव दिल्ली की, इधर की। अजमेर में कितने, मैं समझता हूँ अजमेर और पुष्कर में मिलाकर 40 से 50 होटल होंगे। सर, लगभग कितने का इसने धोखाधड़ी करी है? ये दोनों अगर अजमेर और पुष्कर को अगर मिला लिया जाए तो 1 से 1.5 करोड़ की ये टोटल घपला है। सर, इसको आप रखना चाहोगे कंपनी को, या? हम लोग तो बिल्कुल इसको बंद कर दिया, हम लोग इसको आगे काम भी नहीं करना चाहेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने इसको ऑलरेडी 3 महीने पहले ही इनको नोटिस भेज दिया कि साहब हमारा ये टर्मिनेट कर दीजिए। बट ये लोग अभी हमारे को ब्लैकमेलिंग में लगे हुए हैं, और ना हम लोगों के दूसरे OTAs के क्रेडेंशियल्स भी नहीं देना चाहते हैं। इस तरीके से ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि आप हमारे को वापस जोड़ें। सर, अभी होटल नुकसान में चल रहा है, पूरा नुकसान में। आज की तारीख में आप देख सकते हैं हमारे पास आज पिछले 8-10 दिन से कोई बुकिंग ही नहीं है। हम बीच में रश होता है तो 2-4-5 रूम लगते हैं, क्योंकि हमारे बाकी सारे क्रेडेंशियल्स ही नहीं दे रहे इस चक्कर से। यश दानी, होटल पायल। ये ओयो कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, और जिसके मालिक हैं मिस्टर रितेश अग्रवाल। इस कंपनी ने जब हमसे शुरुआत में जो कॉन्ट्रैक्ट करा था, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की अपनी जो शर्तें हैं उसके अनुसार नहीं चल के वो अपनी मनमानी पूर्ण रवैये से काम करते हैं। अनाप शनाप फीस, अनाप शनाप पेनल्टीज, अनाप शनाप आपके चार्जेस लगा करके जो है हमारे को बेचते हैं। पिछले 10-11 महीने से होटल हम लॉस में चला रहे हैं, हम घर से पैसे डाल करके होटल को चलाते हैं, पर सुनवाई कहीं नहीं होती। इसके विरोध में हमने ये प्रदर्शन करा था। लगभग कितने होटल है अपने अजमेर और कहीं भी? मेरे हिसाब से अजमेर और पुष्कर में कुल मिलाकर के करीब 70 से 80 होटल्स जो हैं ओयो से जुड़े हुए हैं। पर आज हम, कल जो हमारा विरोध प्रदर्शन हुआ उसके बाद में हमारे को आशा है सब 70-80 होटल जो है कम्प्लीटली ओयो को बंद करेंगे काम। सर, लगभग कितने का नुकसान हो चुका होगा आपको सब 70 होटल में? मुझे पिछले 10 महीने का अगर मैं हिसाब देखूँ तो करीब 5-5.5 लाख रुपए का नुकसान मेरे को लग चुका है। आपको अकेले को? जी। सर,
70 होटल इनको भी कुछ नुकसान जी हर होटल को नुकसान हो रहा है। हर होटल से किसी होटल के साथ में इनका कोई जायज़ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार काम नहीं कर रहे, सब अपनी मनमर्जी के कॉन्ट्रैक्ट से। कंपनी को रखना चाहोगे या बायकॉट? बिल्कुल बायकॉट करना चाहेंगे साहब, हम इस कंपनी के साथ में काम नहीं करना चाहते हैं और इसको हम बिल्कुल बायकॉट करना चाहते हैं। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओगे? अगर एसोसिएशन कहेगी, एसोसिएशन के निर्णय रहेगा तो हम इसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराने को तैयार हैं। सर आपका नाम? अंकुर गुप्ता, होटल भारत।